एम भावना हूँ, मैं DLW में कर्मचारी हूँ वर्कशॉप की। 18 जून 2019 को जो भारत सरकार रेलवे बोर्ड से जो प्रस्तावित एक आया था कि सातों प्रोडक्शन यूनिट जो पूरे भारत में है, तो सातों कोने से हैं, जो यूपी में दो है, एक MCF रायबरेली और यहाँ पे DLW और उसके बाद CLW चित्रंजन और चेन्नई में ICF और बेंगलोर में रेलवील फैक्ट्री और कपूरतला में RCF और DMW में पटियाला। इतने जगह सातों प्रोडक्शन यूनिट को इकट्ठा जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको निगमीकरण करना है, जो पूरे रेल को निगमीकरण करने का मतलब है कि जितना 70 साल से जो देश में जो रेल दौड़ रही है, इंजन और सवारी डिब्बा कारखाना और उसके बाद माल डिब्बा और इलेक्ट्रिक इंजन, इतने सालों से हमारे वो क्या बोलते भारत की लाइफलाइन बोलते हैं जो रेल को, तो सब इतने प्रोडक्शन यूनिट से बना हुआ से बना था वो। निगमीकरण से दिक्कत क्या है? अच्छा, निगमीकरण से ये दिक्कत है कि निगमीकरण होने पे आम आदमी के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जो हम लोग अभी सरकारी जो है वेलफेयर के काम करती है और हम लोग का जो प्रोडक्शन है हम लोग के बीच में रहता है, अगर वो निगमीकरण हो जाएगा तो हम लोग की कॉम्पिटिशन, जैसे प्राइवेट कंपनियाँ सभी खुल गई है, प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट खुल गई है जैसे माधेपुर में है, तो वो उसका और हमारे जो इंजन है उसके कंपैरिजन किया जाएगा और उसके बीच में हम लोग के वो जैसे BSNL और Jio के बीच में अब लड़ाई चल रही है, इसी तरह का हम लोग का भी लड़ाई हो जाएगा और उसके बाद जो सरकारी जो प्राइवेट से जो लेगा तो वहाँ उसके हिसाब से किराया बढ़ाएगा, जो इंजन बाहर से लेगा तो वो ज़्यादा रेट रहेगा जो सरकारी रेट से, तो वो भार जो है आम जनता पे पड़ेगा और वो रेल का किराया बढ़ जाएगा, मालगाड़ी किराया बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक मतलब सब चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें हैं सब यात्रियों का है सब प्रभावित होगा। आप कितने समय से नौकरी कर रहे हैं? मेरा 6 साल हुआ है नौकरी करते हुए। और क्या पोस्ट पर हैं? हम अभी हेल्पर के हेल्पर मैकेनिकल में हैं। तो अभी जैसे निगमीकरण के बाद आपको? नहीं, हम तो निगमीकरण से जो कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो समस्या हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी को यहाँ पे छटनी शुरू हो जाएगी। जो निगमीकरण होने से ज़्यादा 4,000 कर्मचारी हैं, 1,200 में मतलब कम हो जाएंगे और जो बाहर बाकी कर्मचारी हैं वो बाहर भेज दिए जाएंगे, बाहर मतलब ओपन रेलवे में या वॉलंटियर रिटायरमेंट दिया जाएगा, तो वो जो ऑलरेडी यहाँ पे बसे हुए हैं अपने बच्चे के लिए शादी, बच्चों के शादी के लिए, पढ़ाई के लिए जो लोन वगैरह लिए हैं वो कैसे भरपाई करेंगे, यही हम लोग का चिंता है। और आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरी का लिए रास्ता बंद हो जाएगा, कॉरपोरेशन हो जाएगा, तो जो RRC और RRB के लिए जो भर्ती होती है वो ऐसा नहीं होगा, जो CEO के अंडर में आ जाएगा अपने आदमियों पर रखेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी रिक्रूटमेंट में, ये सब चिंताएँ हम लोग के बीच। और ये DLW जो है कि पूर्वांचल की शान है, इस सत्ता में जो है कि गवर्नमेंट अभी तक कोई भी एक सरकारी प्रोडक्शन यूनिट नहीं बनाया, लेकिन बनाया जो प्रोडक्शन यूनिट है रायबरेली और DLW को बेचने का कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा खासा जो है कि लाभ में चल रहा है, इसको प्राइवेट करेंगे, इसे लाभ में चलने वाला को क्यों आप लोग बेचना चाह रहे हैं, जो घाटे में चल रहा है उसको बेचेंगे तो कम से कम फायदा होगा कर्मचारियों के लिए, यही हम लोग का कहना है। कि यहाँ पे हर बार आते हैं मोदी जी और कई रेलवे बोर्ड के मेंबर्स भी आते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, हर साल हम लोग का यहाँ पे अवार्ड भी मिलता है ब्रेस्ट प्रोडक्शन यूनिट का, लेकिन अचानक ये फरमान आ गया है कि हम लोग निगमीकरण, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री ऐसा एक आदेश देंगे। आप ऐसे बनारस से ही हैं? आप? नहीं, हम चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और वो अप्रेंटिस कोटा से आए हुए हैं। हाँ, नल्ला रोम सरकार की ये निगमीकरण की नीति बहुत ही खराब है, सारे कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा, पूरा देश आज मंदी के दौर से इसीलिए गुजर रहा है कि सब क्या प्रभाव सारे कर्मचारियों को शोषित किया जाएगा, ठेकेदारी से काम होगा, आज हम समाज में देख रहे हैं ठेकेदारों की क्या पता है, कोई सिक्योरिटी नहीं रह जा रही है इस कर्मचारियों में। आप क्या काम करते हैं? हम इसमें टेक्नीशियन हैं। कितने साल? हमें इसमें 12-14 साल से हो गया है। और आप ऐसे निवासी किधर? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन वोट किया था किसको किया था जी? वोट किसको किए थे? वोट तो हम मोदी साहब को ही दिए थे। फिर अब वही लोग वही डिसीजन ले रहे हैं ना? ये डिसीजन ले रहे हैं लेकिन गलत डिसीजन ले रहे हैं। अब इसी का विरोध हम सब कर रहे हैं कि आपको वोट दिए, यहाँ पे हम सांसद चुने, लेकिन हमारी सब पे ही विपरीत परिस्थितियाँ आप पैदा कर दे रहे हैं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है,
चलते चलते बात करते रहे। कितने साल से बोले काम कर रहे हैं? हम 15 साल से हो गया, 2004 से ही। अभी करीब अगर निगमीकरण हो जाएगा तो क्या पीएसएनएल की स्थिति देख रहे हैं? सेम यही अवस्था होने जा रही है। कुछ लोग कहते हैं निगमीकरण बहुत अच्छा चीज़ है, कहाँ से अच्छा मान लें? अगर अच्छा होता तो आज हम नगर निगम की स्थिति देख लें, पीएसएनएल की स्थिति देख लें, कहाँ से अच्छा है। हर नगर निगम में कुछ हमारे परिचित रिलेशन के भी लोग हैं, आज इनका इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, 20-25 साल से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन 8,000-9,000 में आज परिवार का खर्च कहाँ से चल पाएगा? बस इतना ही है सैलरी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमारा टेक्नीशियन 1 होने के कारण इस समय 25-30,000 हो चुका है जी। और कितना साल नौकरी बाकी है? अभी तो 15 साल मेरा बचा है। अच्छा जी, लेकिन ऐसे हमारी सिक्योरिटी, आज बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी नहीं है तो बच्चे कैसे हम पढ़ा पाएंगे अपने? बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, इसीलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। पर ये वोट देने से पहले नहीं पता था कि ऐसा करेगा बीजेपी? नहीं, यहीं आकर के मोदी साहब ने निगमीकरण या निजीकरण के लिए भाषण दिए थे DLW में, ये कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले थे। हम सब आश्वासित थे, हमारा देश का प्रधानमंत्री हम सबको देश को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे कदम आज उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था खुद ही तीसरे स्थान से आज किस अवस्था में, आज गर्त में चली गई है। इसका उदाहरण इससे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं है ये देखने को हम मिल रहा है। तो ये हमारे जो समाज में जो एक सुरक्षा की भावना थी, आज वो सुरक्षा की भावना खत्म हो रही है। आज जो हमारे समाज में कह रहे हैं वो DLW में मोदी जी आके उल्टा बोले थे। बिल्कुल यही भाषण दिए थे DLW के स्टेडियम में 2014 में आए, नहीं 2014 में नहीं, वो बाद में आए थे जब निजीकरण का एक बार हवा उड़ी थी कि निजीकरण होगा, तो यहीं आकर DLW स्टेडियम में उन्होंने भाषण दिया था। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है, ना अभी है ना भविष्य में रहेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कदम 100 दिन के अंदर, दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के अंदर ही वो एजेंडे में ला दिया कि इसको निजीकरण या निगमीकरण किया जाए। आज हम लोग जो सोच नहीं सकते थे, अचानक हमारे ऊपर ऐसा एक दैव अवस्था आ गई है कि हम सब विपरीत अवस्थाओं में आज मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। हर कर्मचारी आज खुश नहीं है। तो DLW के सारे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं? कुछ बिल्कुल कर रहे हैं, सारे कर्मचारी कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं आज लंका, यहाँ से 6-7 किलोमीटर चलकर के दूरी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। विरोध नहीं होता तो इतने सारे कर्मचारी कैसे आते? कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ लोग आए नहीं आ पाए हैं, लेकिन अधिकतर लोग आए हैं। कितने महिला कितने पुरुष हैं? अब हम एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता पाएंगे महिलाओं का पुरुषों का अलग अलग, लेकिन 6,000 के आसपास कर्मचारी हैं। महिला किस तरह का काम करती हैं, पुरुष किस? महिला जो कारखाने के अंदर हैं वो हर तरीके से काम कर रही हैं, टेक्नीशियन का वायरिंग का काम कर रही हैं, लोगों पर तो नहीं चढ़ती हैं लेकिन अंदर काम कर रही हैं। ये बनारस के अलावा पूरे देश के लोग हैं, कहाँ कहाँ से काम करते हैं DLW में? DLW में हम समझते हैं कि पूर्वांचल से लेकर के बिहार तक के लोग यहाँ पर। अभी एक तमिलनाडु की महिला मिली थी, वो भी तमिलनाडु के भी कुछ लोग अप्रेंटिस किए हुए थे, जो तमिलनाडु में नहीं उनको जॉब मिला तो यहाँ पर वैकेंसी उस समय खाली थी, तो यहाँ पर सारे लगभग तमिलनाडु से 40-50 लोग ज्वाइन किए थे। कुछ लोग अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा करके यहाँ से गए हैं, कुछ लोग यहाँ अभी हैं। और नहीं, यही हमको मोदी साहब से ये अपेक्षा करेंगे, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निजीकरण ना करें। निजी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो पहले से सार्वजनिक है उसको उसी रूप में रहने दें। हर कर्मचारी कंधा से कंधा मिला कर प्रॉफिटेबल है कि प्रॉफिटेबल है? ऐसा कोई भी इकाई रेलवे की नहीं है जो कि घाटे में चल रही है।